गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चोपड़ा किड्जी स्कूल। टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 4, नाउन नंबर्स एंड जेंडर्स। ओके, तो सबसे पहले नाउन नंबर और जेंडर से पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नाउन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि नाउन क्या होता है जिनका अपन नंबर चेंज करने वाला है। तो व्हाट इज नाउन? इट इज द नेमिंग वर्ड, द नेम ऑफ एनीथिंग। इट मे बी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, दैट इज नोन एज नाउन। अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म किस नंबर किसको कहेंगे? द नाउन विच रेफर टू सिंगल नंबर, द नाउन दैट रेफर्स टू अ वन पर्सन, दैट इज नोन एज सिंगुलर नंबर। एंड द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन नंबर, मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन, दैट इज नोन एज प्लुरल नंबर। ओके, पेन, टेबल, आंट, फादर, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नंबर। बट वॉट डिड वी डू? हमने एस और ईएस एड कर दिया और इनको क्या बना दिया? प्लूरल नंबर बना लिया है। और नाउ दीज आर द प्लूरल। बट किसी में एस लगाया, किसी में ईएस लगाया, वॉट आर द रूल्स ऑफ चेंजेस दिस? ओके, दैट वी विल स्टडी इन दिस क्लास। फर्स्ट रूल क्या होता है? एस इज यूज आफ्टर द सिंगुलर नंबर टू मेक इट प्लूरल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें एस लगाना है, किसमें ईएस लगाना है? देन दिस यू हैव टू मेमोराइज, बट आफ्टर स्टडिंग दिस ऑल दिस रूल्स यू मे अंडरस्टैंड दैट वहां में एस लगाना है, कहां में ईएस लगाना है। व्हेन द नाउन इज एंडेड विद एस, एस एच, डबल एच, सी एच या एक्स और ओ, जब नाउन इनसे एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ईएस लगा लेते हैं। जैसे देखो, इसके पीछे एस है तो हमने ईएस लगा दिया, एस एच है तो भी ईएस लगा दिया, सी एच है तो भी हमने ईएस लगा दिया है। देखो मैंने कलर किया है लेटर्स को ताकि आपको समझ में आए कि चेंजेस किया गया। यहां बस है और हमने बसेस किया है। ओके, फॉक्स में फॉक्सेस किया है, ईएस लगा दिया है। द नेक्स्ट वन इज एंडेड विद वाई। व्हेन द नाउन एंडेड विद वाई, देखो वाई तो एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू कहीं पर नहीं है। सबसे जस्ट पहले देखो वो है इसमें, लेकिन वो जस्ट पहले नहीं है। वाई से अगर जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आप वाई को हटा के क्या लगा लोगे? आई ई एस। देखो सब में मैंने वाई को हटाया है और आई ई एस को लगा दिया है। एंड यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज गिवन बिहाइंड द चैप्टर। देखो यहां पर भी वाई से पहले बी है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो हमने आई ई एस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग डंकी। अब डंकी में आपको क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, वॉवेल दिया गया है। क्या दिया गया है? वॉवेल। तो व्हाट विल वी डू? हम लोग क्या करेंगे, जब भी वाई से जस्ट पहले ई, आई या ओ या यू दिया हुआ हो तो हम लोग ओनली एस लगाकर इसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बना लेंगे। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अगर वाई से पहले वॉवेल होता है तो एस लगाना है, और वाई से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो व्हाट विल यू डू? यू विल डू आई ई एस एंड रिमूव वाई फ्रॉम देयर, वाई को हटा देना है। क्लियर? द नेक्स्ट रूल इज एफ। अब देखिए जब एंडिंग विथ एफ, एफ से एंडेड होता है तो क्या करना है? एफ को हटा के वी ई एस लगाना है, एफ को हटा के वी ई एस लगाना है। और एग्जाम्पल यू में सी, लीव का लीव्स हो गया है, फॉक्स का फॉक्सेस, सॉरी वुल्फ का वुल्फ्स हो गया है। लेकिन एफ के साथ समटाइम ऐसा होता है कि एफ के साथ ई आता लास्ट में, तो आप एफ और एफ ई दोनों को हटाओ। हमें रिमूव करना एफ को है, लेकिन अब एफ के साथ बाई द वे ई आ गया है, तो एफ और एफ ई दोनों को हटाना है, लेकिन चेंजेज में ओनली वी ई एस लगाना है। चाहे एफ को हटाओ या एफ ई दोनों को हटाओ, लगाना वी ई एस ही है और कोई चेंजेज नहीं करना है। ओके, अब मैंने आपको जो ऊपर बताया था, बट आई एक्सप्लेन ऑन द टॉप दैट ओ होता है तो ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ओ। When the noun ended with O, तो what will you do? ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? ES। जैसे mango, O हो गया तो ES लगाना है। Potato में आपको ES लगाना है। But when there is a vowel A before the O, जब A से पहले कोई भी vowel हो, there is a vowel हो, कोई भी vowel हो, जैसे O से पहले O vowel है, O से पहले I vowel है, या ओ से पहले कोई भी वॉवल्स हो, चाहे वो सेम वॉवल रिपीट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ओनली एस लगाएंगे। ओके, देखो यहां ओ है तो ई एस लगाया है और यहां ओ है तो ओनली एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि एंड तो ओ से हो रहा है लेकिन ओ से जस्ट पहले कोई ना कोई वॉवल आ रहा है। क्या आ रहा है? वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमने ओनली एस अप्लाई किया है, ई एस को अप्लाई नहीं किया है।
एक्सेप्शन भी पढ़ लेते हैं हमके इनके, जैसे यहाँ वो से पहले वो विल नहीं है तो भी हमने एस क्यों लगाया, ये तो इसके एक्सेप्शनल है जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न दीज आंसर्स। नाउ एस और ईएस बोथ आर करेक्ट, ये देखिए दीज आर द जनरल थिंग्स विच आर नॉट गिवन इन योर बुक, दैट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वे, अदरवाइज आई टुक अ बुक एंड सेम पेज आई वॉज एक्सप्लेनिंग, बट आई एम नॉट डूइंग दिस वन। ओ एंडिंग है लेकिन एस भी सही है और ईएस भी सही है, दिस इज अ न्यू थिंग यू मस्ट लर्न। सम ऑफ द चेंजेस मिडिल वोवेल ओ चेंज हो रहे हैं इनके, ठीक है आई चेंज हो रहे हैं, डबल ओ का डबल ई हो गया टूथ का टिथ हो जाता है, और फुट का फिट हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, ओ चेंज हो रहा है, इसका ए चेंज हो रहा है। ओके बट ध्यान रखना जब मैन किसी के पीछे आता है, मैन किसी भी वर्ड के पीछे आता है, चाहे वो वुमन हो चाहे वो वॉशरमैन हो, ओनली चेंजेज किसमें होगा, वॉशरमैन का जो मैन है, वुमन का जो मैन है, ठीक है मिल्कमैन का जो मेन वर्ड है एम ए एन मैन है, उसी का वोवेल चेंज होगा, बाकी किसी का वोवेल चेंज नहीं होगा। ओके और दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न। ओके देयर इज नो रूल्स अबाउट दीज वर्ड, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है ये चीज भी आप देख लो, काउ का जो आपने ऑक्स तो पढ़ा ही होगा और काउ का काउस भी पढ़ा ही होगा, लेकिन ये देखिए न्यू वर्ड है किन, ठीक है सिस्टर का सिस्टरिन, दिस इज न्यू वर्ड। सो द चैप्टर इज ओवर हियर, आई होप आई हैड एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स गिवन इन द चैप्टर। ओके नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज योर सेल्फ, आई विल सेंड यू द आंसर्स, बस ट्राई टू डू योर सेल्फ बिकॉज यू आर इन सेवन्थ स्टैंडर्ड, देन आफ्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सी माई आंसर्स। ओके थैंक्स।